लिए आपको चाहिए एक N4007 डायोड, एक एलईडी, एक कनेक्टर। आप जैसे भी चार्जिंग पिन चाहें वैसा कनेक्टर ले सकते हैं, एक बैटरी और थोड़े वायर्स। तो अब चलिए इसे बनाते हैं। तो पहले आपको कनेक्टर लेना है, आप कनेक्टर कोई भी ले सकते हैं, आपको जैसा पिन आपके आपका अवेलेबल हो। तो इसको पहले मैं काट लेता हूँ, काटने के बाद इसके अंदर से हमको वायर निकालना है। वायर्स कनेक्शन करने में इजी होता है, तो ये काट के पहले वायर निकाल ले रहे हैं। ये वायर अंदर में है, इसको निकाल लेते हैं। और इसके बाद इन वायर्स को छील के अंदर से इसका तार निकाल लेना है। इसको देखिए मैंने यहाँ छील लिया है, ये तार निकल गया है। और इसको साइड में रखते हैं। अब काम एलईडी का है, अब एलईडी में रेजिस्टर को जोड़ेंगे पॉजिटिव साइड। ये एलईडी का पॉजिटिव साइड है, तो उसमें रेजिस्टर को जोड़ देते हैं जो एलईडी को हाई वोल्टेज पे भी बचाए रखेगा। तो ये इस तरह से एलईडी को मैंने जोड़ दिया रेजिस्टर के साथ, और ये जोड़ कर उसको अब सीधा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ एलईडी से रेजिस्टर को ज्वाइंट कर लिया है, अब हमको डायोड को कनेक्ट करना है इसे। तो डायोड कनेक्ट करने से पहले ध्यान देंगे कि वो जो सिल्वर मार्किंग है वो एलईडी के अपोजिट साइड में हो, क्योंकि सर्किट में वो भी एक वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हमको ध्यान में रखना है। तो ध्यान दें कि ये जो सिल्वर मार्किंग है वो एलईडी के अपोजिट साइड में हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। और उसके बाद फिर कनेक्टर को कनेक्ट करना है। रेड पॉजिटिव होता है और अदर वाइट नेगेटिव होता है, तो रेड को यहाँ एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट करते रहो, कनेक्ट अच्छे से कर सकते हैं आप, स्वेलिंग भी कर सकते हैं। और फिर नेगेटिव को एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है, और साथ में एक वायर भी लगा देना है ताकि इसको फिर बैटरी से कनेक्ट किया जा सके। ये इसको नेगेटिव को एलईडी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। कैसे ज्वाइंट कर दिया, और फिर इसके बाद एक और वायर लेना है और इसी के पॉजिटिव कनेक्ट करना है, जिस वायर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और इसको डायोड के अदर साइड जिससे हम लोग कुछ कनेक्ट नहीं किया था वहां से कनेक्ट कर देना है। यह हमारा चार्जर का आउटपुट हो जाएगा। ये ठीक से कनेक्ट करके टाइट कर दिया, तो हमारा सर्किट रेडी हो गया है। और बस इसको अब हम एक अच्छे से फ्रेम में डाल सकते हैं। मैं यहाँ डबल साइड स्टिकी टेप यूज़ कर रहा हूँ, उस पर मैं इसको चिपका दूँगा, तो उस पर ये असेंबल करने में थोड़ा सा इजी होता है। आप इसको किसी भी तरह के बॉक्स में या ऐसे भी जहाँ भी आप सर्किट को लगाएंगे, अब वहाँ पे इसको अपने तरीके से लगा सकते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ का सर्किट ही है। सर्किट डायग्राम इसका मैं वीडियो के एंड में देने और दिखाने वाला हूँ, और फिर आपको समझाऊंगा भी कि काम कैसे करता है ये। तो यहाँ मैं इसको पहले लगा ले रहा हूँ।
तीसरा से मैंने इसको चिपका दिया और फिर इसके ऊपर से एक और टेप लेकर ऐसे कवर कर देना। ये कवर हो गया, अभी इसका डायोड निकला ही हुआ है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन फिर भी वो टूट सकता है, तो उसको भी हम लोग इसके अपोजिट साइड पे चिपका देंगे। तो ये इसको बेंड कर दिया, इससे ये थोड़ा मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग रहेगा, निकलेगा नहीं। और इसके ऊपर से फिर से एक टेप वैसे ही लगा दिया, अब ये सर्किट स्टेबल हो गया, ये जल्दी टूटेगा नहीं। और ये जो दो वायर्स, इसको हम लोग को बैटरी से कनेक्ट करना है, रेड वाला पॉजिटिव है, वाइट वाला नेगेटिव है, और ये हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। और ये वाइट वाला भी नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट हो गया। और ये हमारा रेडी हो गया है। और इस सर्किट को हम सारे बैटरी चार्ज करने में यूज़ कर सकते हैं, जो भी 4 से 5 वोल्ट के। तब हमारा ये सर्किट तैयार है और इसको अब चेक करना है। तो मैंने यहाँ चार्जिंग केबल में पतला पिन का कनेक्टर इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं यहाँ पतले पिन के चार्जर से इसको चेक करूँगा। आप जैसा चाहे कनेक्टर लगा सकते हैं और आपको जो पिन चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे हम यहाँ चार्जर लगाते हैं, ये LED ग्लो करता है और इंडिकेट करने लगता है, पर बैटरी कनेक्टेड होते हुए भी वो LED जलता नहीं है। तो ये LED तभी जलेगा जब आप चार्जर कनेक्ट कीजिएगा इससे, और ये बताएगा कि बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ चार्जर को अगर निकाल देता हूँ तो LED बंद हो जाता है। तो यहाँ हमारा ये सर्किट डायग्राम है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये डायोड ही है। ये डायोड एक वैल्व की तरह काम करता है, जो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। और इसका एक और काम है, मैंने एक वीडियो में पावर बैंक बनाना सिखाया था, तो उस पावर बैंक को मैं चार्ज करने के लिए नहीं बताया था, उसमें भी इस कनेक्टर को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करके हम उसके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं।